करते हैं और क्योंकि इन कैडेट्स को बैच वाइज बस द्वारा आईएमए में पहुंचाया जाता है और सबके आने की टाइमिंग अलग अलग होती है, इसलिए पहले आ चुके कैंडिडेट्स को यहाँ चाय भी दी जाती है। इसके बाद इन कैडेट्स को बस के द्वारा आईएमए पहुंचाया जाता है। कैडेट्स जब पहली बार चिटवुड बिल्डिंग को सामने से देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मिलिट्री एकेडमी में पहुंचना ही एक सपने जैसा होता है, क्योंकि आप वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं जो आपने कभी सिर्फ सोचा या वीडियोस में देखा होता है। इधर से उधर दौड़ते जेंटलमैन कैडेट्स, एकेडमी के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और एकेडमी का माहौल, हर एक चीज बिल्कुल सपने के सच होने जैसी होती है। जो कैंडिडेट्स टाइम पर देहरादून रेलवे स्टेशन नहीं आ पाते तो ऐसे कैंडिडेट्स को डायरेक्ट आईएमए पहुंचना होता है और आईएमए के मुख्य द्वार पर रिपोर्ट करना होता है। कैंडिडेट्स के पेरेंट्स या गार्जियंस एकेडमी आ सकते हैं, लेकिन उनको कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग होते ही वापस जाना होता है। आईएमए पहुंचने के बाद इन कैडेट्स को एक जीसी क्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पे कैंडिडेट्स फ्रेश होते हैं। इसी दौरान इनकी मुलाकात अपने एसएसबी टाइप से होती है जिन्होंने साथ में ही एसएसबी इंटरव्यू क्लियर किया था। इसके बाद नाश्ता करके यह कैडेट्स कार्यालय में लाए जाते हैं जहां इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान जेंटलमैन कैडेट्स को बैटालियंस एंड कंपनीज में बांटा जाता है, उसी तरह से इन नए कैडेट्स को भी उनकी बैटालियंस एंड कंपनीज अलॉट की जाती है, जिसकी शान के लिए वो आगे चलकर कोई भी कीमत चुकाने को तैयार होंगे। बाद में इन कैडेट्स को बसों के द्वारा इनके संबंधित बटालियन क्षेत्र में उतारा जाता है जहां एक JUO यानी कि जूनियर अंडर ऑफिसर, जो कि एक सीनियर कैडेट होता है, इनको रिसीव करता है और निर्देश देता है। इसके साथ ही उनको रूम अलॉट किया जाता है, जिसके बाद इन कैडेट्स को अपने कागजात की जांच के लिए बटालियन कार्यालय जाना पड़ता है। यहां सभी प्रमाण पत्र एकत्र कर लिए जाते हैं। अब आप एक कैंडिडेट से इंडियन मिलिट्री एकेडमी के जेंटलमैन कैडेट बन चुके हैं। इसके साथ ही आपको एक एकेडमी नंबर प्रोवाइड किया जाता है जो पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपकी एक पहचान बनता है। दोस्तों, इसके साथ ही उन्हें निर्देश दिए जाते हैं और एकेडमी के बेसिक रूल्स के बारे में बताया जाता है। इसके बाद उनका बार्बर शॉप में ले जाकर हेयर कट करवाया जाता है। 2011 के बाद आर्मी का सिग्नेचर कटोरा कट की जगह छोटे छोटे बाल रखने की अनुमति है, तथा साथ ही उन्हें वर्दी, जूते इत्यादि जारी किए जाते हैं और इसके साथ ही उन्हें एकेडमी को दिखाया जाता है। आईएमए के अंदर घूमने के लिए जेंटलमैन कैडेट्स को बाइसाइकिल भी इशू की जाती है। रात 8 बजे खाना होता है, जिसके लिए शाम के करीब 7 बजे के बाद ही ये कैडेट्स मेस पहुंचने लग जाते हैं और करीब 1 घंटे तक मेस के सामने लाइन में खड़े रहते हैं। पूरी एकेडमी मेस के सामने एक डेली रोल कॉल के लिए इकट्ठा होती है। सीनियर अपॉइंटमेंट्स इन कैडेट्स की काउंटिंग करके खाने के मेस एटिकेट्स के बारे में निर्देश देते हैं और तब ये कैडेट्स खाना खाने जाते हैं। खाने के बाद ऑफिशियली ये कैडेट्स अपना दिन खत्म करके अपनी अपनी कंपनी बैरेक्स में सोने चले जाते हैं और इस तरह से इन नई ज्वाइनिंग कैडेट्स का पहला दिन एकेडमी में पूरा होता है। इन सब के बीच कैडेट्स आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और एक लाइफ लॉन्ग कोर्समेट बॉन्ड के लिए आगे बढ़ते हैं। आने वाले कुछ दिनों में हर एक आईएमए कैडेट को ओवर स्टडी अलॉट किया जाता है। आपका ओवर स्टडी आपका सीनियर होता है और आपको एकेडमी के कायदे कानून सिखाता है और गलती करने पर रगड़ा भी देता है। दोस्तों, आईएमए का पहला दिन पूरी 1.5 साल की ट्रेनिंग को बयान नहीं कर सकता। आईएमए की लॉन्ग ट्रेनिंग आपकी लाइफ में आने वाले सबसे मुश्किल लेकिन लाइफ चेंजिंग दिन होने वाले हैं। तो कुछ ऐसा रहता है आईएमए में कैडेट्स का पहला दिन, जिसमें उन्हें डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से रूबरू कराया जाता है। हमें उम्मीद है कि इनके बारे में जानकर आपको मजा आया होगा।